वेलकम बैक, आई एम योर धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसए इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। बहुत दिन से वेटेड था, बहुत सारे बच्चे सर टेंस टेंस टेंस, मैं आपको आज टेंस पढ़ा रहा हूँ। आखिर एक बच्चे ने पूछा कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर है सर। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट टेंस, जिसके अंत में गौ गेगी फ्यूचर टेंस, यही ना पढ़ते आए हो। इससे थोड़ा समय अलग, चूंकि आप धर्मेंद्र सर से क्लास ले रहे हो, थोड़ा समय अलग पढ़ाऊंगा कि आखिर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में अंतर क्या है। क्या वाकई ताते ती होता है, क्या वाकई गागे की होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं एक सेंटेंस। आज हम लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि सिंपल प्रेजेंट वर्सेस सिंपल फ्यूचर, यानी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर है। मैं इसकी चर्चा आज करने जा रहा हूं आपके साथ कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर है, हम इन दोनों का तुलना साथ में करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस आपसे पूछना चाहता हूं, एक सेंटेंस आप देखने का प्रयास करें। क्या सेंटेंस है? हमने सेंटेंस दिया, आप देखने का प्रयास किया कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, हमने एक सेंटेंस आपको दिया कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब ये सेंटेंस दिया कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, अब ज्यादा ध्यान दें बच्चे, आपके अनुसार यह सेंटेंस जिसके अंत में गौ है, गी है, गे है, फ्यूचर टेंस होता है, तो क्या बाकी यह फ्यूचर टेंस का है, किस टेंस का है? आप इस सेंटेंस को देख लो, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। मैं अब दूसरा सेंटेंस है, मैं कल मैच खेलूंगा। दोनों में यहां भी कल। अब इस दोनों सेंटेंस को आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास रख लें। मैं फिर से वापिस आता हूं समझने के लिए कि क्या दोनों सेंटेंस फ्यूचर का था या प्रेजेंट का था। मैं आपसे जानना चाहता हूं एक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। कॉन्सेप्ट यह है कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर है क्या चीज। जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, मेरी बात गौर से सुनना, जो भी हम बोलते हैं वो सारा चीज बोलो फ्यूचर में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमेशा जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? फ्यूचर में। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेजेंट होता नहीं, या तो पास्ट हो चुका, प्रेजेंट तो चल रहा है कंटिन्यूअस, और एक फ्यूचर आने वाला है, तो जो हम बोलते हैं वो फ्यूचर का होता है। जैसे मैं बोलूंगा मैं कल मिलूंगा, मैं परसों जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, हमेशा हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं। और फ्यूचर अगला कदम भी अगर बढ़ाते हो तो वो भी कदम आपका फ्यूचर प्लान होता है। जो काम तुम करते हो वो प्लानिंग होता है। आज आप मेरे पास पढ़ने आए हो, दिल्ली में पढ़ने आए हो, वो क्या है? प्लान है। आप शाम बैच में पढ़ने आओगे, प्लान है। आप जो काम करोगे सब प्लान है। जो भी काम हम करते हैं वो होता क्या है? फ्यूचर प्लान एक्शन होता है। हम जो काम करते हैं वो फ्यूचर का प्लान होता है। और प्लान दो तरह का होता है, एक प्लान फिक्स, एक प्लान नॉट फिक्स। अगर एक्शन फिक्स है, फिक्स का मतलब क्या होता है वो समझना, सारा काम फ्यूचर का है, और फ्यूचर में क्या है? प्लान। फ्यूचर प्लान एक्शन कैसा है? फिक्स। और एक क्या है? नॉट फिक्स। अब मुझे बताना टेस्ट मैच कल शुरू होगा, बोलो फिक्स है या नॉट फिक्स है? क्या कहा? नॉट फिक्स। अब बताओ कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो टेस्ट मैच होना 90% फिक्स है कि नहीं, मुझे बताओ? नहीं। कैसे भाई? तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा तो टेस्ट मैच का होना निश्चित ना है। आपने कहा सर बारिश आ जाए तो? आपने कहा सर टेस्ट मैच जहां पीच है वहीं बॉम्ब फूट गया तो? ये तो 10% में होगा बाबू, लेकिन 90% तो फिक्स है ना। दूसरा एग्जांपल ले लो, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, बोलो फिक्स है कि नॉट फिक्स? बोलो, जाना फिक्स है ना। तुम चूंकि पहले तैयार होते हो, यह एरोप्लेन 8 बजे उड़ान भरेगी, फिक्स है कि नॉट फिक्स? फिक्स है। प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, फिक्स नॉट फिक्स? फिक्स है। तो जो एक्शन फिक्स हो, फिक्स होता कब है? जब उसमें पावर होता है। फिक्स होता क्या है? जब उसकी मजबूरी होती है। कंपल्सन यानी जब पावर हो, कंपल्सन मजबूरी हो, तो उसे हम फिक्स कहते हैं। फिर सुन लो एक बार, जब पावर हो, कंपल्सन हो, मजबूरी हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, तो उसे हम फिक्स कहते हैं। और जो सेंटेंस फिक्स होता है उसके टेंस का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस।
सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट का मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। कौन से एक्शन में? जिसमें पावर हो, कंपल्सन हो, एबिलिटी हो। अब बोलो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। या ट्रेन 10 बजे जाएगी, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। गागेगी नहीं पढ़ना, गागेगी नहीं आता मुझे, गागेगी से अंग्रेजी नहीं सिखवाओगे। आपको पकड़ना है कॉन्सेप्ट, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं तब तक अंग्रेजी नहीं। इस कॉन्सेप्ट की बात करो तो हमने कहा फ्यूचर प्रोजेक्शन, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, मैं कल टेस्ट मैच खेलूंगा। अब बताओ टेस्ट मैच मैं कल खेलूंगा तो बोलो मेरा टेस्ट मैच खेलना फिक्स है कि नॉट फिक्स है? बोलो, क्योंकि मेरी मर्जी है, नहीं खेलूंगा। अब बताओ कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, मैं इस ट्रेन से जाऊंगा। यह ट्रेन 10 बजे जाएगी फिक्स हो गया, और मैं इस ट्रेन से जाऊंगा, बोलो फिक्स है भाई? मेरा जाना पर्सनल काम, यानी जो काम पब्लिकली हो, जो काम पब्लिकली हो उसे फिक्स कहते हैं, और फिक्स का मतलब प्रेजेंट टेंस। और जो काम पर्सनली हो, व्यक्तिगत हो, उसे कहते हैं नॉट फिक्स। नॉट फिक्स का मतलब 50% चांस है, गए भी नहीं भी गए, इसे कहते हैं सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर, तो फिर से स्क्रीनशॉट ले लिया, फ्यूचर प्लान एक्शन फिक्स है, पावर हो, कंपल्सन हो, प्रेजेंट टेंस, नॉट फिक्स हो, सिंपल फ्यूचर, 50% मर्जी अपनी, जा भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। अब सेंटेंस यहां तक समझ में आ गया आप सबों को? अब इसको दोबारा देखो, तिबारा देखो, चार बार देखो इसको, तब समझ में आपको आएगा, तब आप क्लियर कर पाओगे। अभी आप एग्जाम्पल देखो, हमने कहा टेस्ट मैच कल शुरू होगा, एक एग्जाम्पल हमने दिया था, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब टेस्ट मैच कल शुरू होगा, अब बताओ मुझे पब्लिकली है कि पर्सनली है? ऑस्ट्रेलिया का टीम इंडिया में आ गया, ऑस्ट्रेलिया का टीम इंडिया में आ गया, अब मैच होना है। धोनी ने कहा यार आज मूड नहीं कर रहा, आज मैच नहीं खेलूंगा, क्या मैच नहीं होगा? विराट कोहली ने कहा यार अंग अंग टूट रहे हैं, आज मैच नहीं खेलूंगा, मैच नहीं होगा। अरे होगा ना जी, तो मैच जब होगा तो प्रेजेंट टेंस हुआ कि नहीं होगा? तो अंग्रेजी क्या बनाओगे? द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, द टेस्ट मैच स्टार्ट टुमारो। क्यों भाई? क्योंकि ये मैच फिक्स है, ये मैच होना ही होना है, तो द टेस्ट मैच स्टार्ट्स। अब लड़का ने कह दिया एग्जाम एसएससी ने पूछा है, सीपीओ ने पूछा है, कई बार एग्जाम में पूछा है, आपको इसका अंदाजा नहीं है। इस वीडियो को ना पूरे भारत के हर बच्चे को जरूरत है, हर टीचर को जरूरत है, हर आदमी को जरूरत है, आप इसको सीखिए। अलत गलत सलत मत पढ़िए, उल्टा पुल्टा कंसेप्ट मत पढ़िए, टेंस ऐसे ही पढ़ा जाता है और ऐसे ही सीखा जाता है, तब आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा। अगर कोई लड़का बोल दिया कि द टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, तो टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, अब विल लगा दिया, ये गलत हो गया। क्यों भाई? क्योंकि एक्शन फिक्स था, और फिक्स को बनाते हैं किसमें है? प्रेजेंट में। अगर मैं होता कि मैं मैच खेलूंगा तो आई विल प्ले मैच, मैं इस ट्रेन से जाऊंगा, आई विल गो दिस ट्रेन, मैं कल तुमसे मिलूंगा। देखो मैं कल तुमसे मिलूंगा, मैं कल तुमसे मिलूंगा, तो आई विल मीट यू टुमारो, तो आई विल मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलूंगा। तो यहां पे क्या है? यहां भी कल है, यहां भी कल है, तो कल से मतलब नहीं है, यहां भी गागेगी है, यहां भी गागेगी है। मैं कल तुमसे मिलूंगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, दोनों में कल है, दोनों में गागेगी है, दोनों फ्यूचर का एक्शन है, दोनों एक्शन फ्यूचर का है, लेकिन एक बनेगा प्रेजेंट में, एक बनेगा फ्यूचर में। क्यों भाई? क्योंकि ये पर्सनल एक्शन है, व्यक्तिगत एक्शन है, और जहां व्यक्तिगत होता है वो फिक्स नहीं होता, उसे सिंपल फ्यूचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर। अब बताओ यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो दिस ट्रेन विल डिपार्ट एट 10 o'clock, गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो दिस ट्रेन डिपार्ट्स एट 10 o'clock, क्लियर? तो दिस ट्रेन, प्रधानमंत्री कल चाइना जाएंगे, तो द पीएम विल गो टू चाइना टुमारो, गलत, द पीएम
goes to China. The PM visits China tomorrow. The PM visits China tomorrow. यह concept है. अगर concept आपने ले लिया तो अंग्रेजी की धज्जियां उड़ा दोगे. कॉन्सेप्ट नहीं है, रट्टा मारते रहो, पढ़ते रहो, फ्लॉप होते रहो. मैं आपको धर्मेंद्र सर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ताकि आप अंग्रेजी की धज्जियां उड़ा दो और पूरे भारत में आप परचम लहरा दो अपना, पूरे भारत में क्रांति फैला दो. फिर से एक बात सुन लो, एक्शन अगर फिक्स है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, नॉट फिक्स है तो सिंपल फ्यूचर टेंस. मैं कल तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो. मैं कल वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर. I will go there tomorrow. वह कल मेरे पास आएगा, He will come to meet me tomorrow. वह कल मेरे पास आएगा, He will come tomorrow. तुम कल मेरे पास आओगे, You will come to meet tomorrow. मैं तुमसे कल मिलूंगा, I will come to meet tomorrow. जो भी वॉट एवर कम्स योर माइंड, अगर पर्सनल हो, व्यक्तिगत एक्शन हो, व्यक्तिगत, मैं कल तुमसे मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो. वह कल मेरे पास आएगा, ही विल कम टू मीट मी टुमारो. तो जो भी हो वह कल मिलने आएगा, मैं कल उसे मिलने जाऊंगा, वह कल आएगा. जो भी हो, व्यक्तिगत एक्शन हो, आप इस पे ध्यान मत दो, ध्यान दो पर्सनल पर. अगर पर्सनल हो तो फ्यूचर, और अगर पब्लिकली हो तो प्रेजेंट. टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये पब्लिकली एक्शन है, तो इसे आप बनाइए प्रेजेंट टेंस में. द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो. प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे. द पीएम गोज, द पीएम विजिट्स अमेरिका टुमारो. द पीएम गोज टू अमेरिका टुमारो. तो आप इस तरह से प्रयोग करेंगे तो आपका अंग्रेजी टोन बिल्कुल सही हो जाएगा. कब? जब दोनों में अंतर कर पाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट में क्या अंतर है. बेसिकली दोनों टेंस को मैं अलग अलग द्वारा पढ़ाऊंगा. यहां पर हमने तुलना कराया कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में क्या अंतर है. आप अंतर समझ गए होंगे तो अगला वीडियो फिर से टेंस का दूंगा ताकि आप और बेहतर कर पाए. इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे भारत में फैलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट. फिर मिलते हैं हम लोग आगे. थैंक यू वेरी मच.